फैसलाबाद की शेरों वो देखो, फैसलाबाद की शेरनियों। और मुझे ये हमारे माइनॉरिटीज के लोग नजर आ रहे हैं, एमएसएफ के बच्चे नजर आ रहे हैं, यूथ के इतने नौजवान नजर आ रहे हैं। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूं। फैसलाबाद वालों, हमने एक से एक बड़ा जलसा देखा है माशाल्लाह इस कैंपेन में, और लगता था कि नून लीग का मुकाबला नून लीग के जलसों से है, लेकिन खुदा गवाह जितना जज्बा आज मैंने फैसलाबाद में देखा, मैंने कहीं देखा। और मैंने देखा कि जब राणा सनाउल्ला साहब का नाम लो तो पूरा मजमा गूंज उठता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राणा साहब का क्या नाम रखा था, क्या नाम रखा था? हकीम राणा सनाउल्ला। और हकीम राणा सनाउल्ला ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है राणा साहब। और ये मेरा भाई आबिद शेर अली भी खड़ा है, बाकी सब भी यहाँ बैठे हैं, तलाल चौधरी भी यहाँ मौजूद है। तलाल, मैं आपकी वफा को सलाम पेश करती हूं। राणा साहब ने जब इनको हेरोइन के झूठे मुकदमे में इन्होंने उलझा दिया, तो अदालत की राहदारी में राणा साहब ने शेर का मास्क लगाया हुआ था, और राणा साहब ने कहा कि अगर मैं पहले 100% नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं, सजाए मौत होने वाली थी ये याद रखना। राणा साहब ने कहा अगर 100% नवाज शरीफ के साथ, तो आज 1000% नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। और फिर मुझे आज आपको देख के लग रहा है कि आपने फैसलाबाद में राणा साहब के कहे हुए की लाज रखी, और आपने जिस मोहब्बत से आज नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, अपनी बहन मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, मुझे लगा ही नहीं कि नवाज शरीफ यहां 4 साल नहीं थे। मैं अब मियां साहब ने हुक्म दिया है कि ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ करना है, तो मैं एक आखिरी बात करके खत्म करने लगी कि मुस्लिम लीग नून, 8 फरवरी को इलेक्शन आने वाला है फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है, फैसलाबाद की सनत चलती है तो पाकिस्तान की सनत चलती है, फैसलाबाद की सनतों में आग जलती है तो मजदूर का चूल्हा चलता है। ये बात कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं थी, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती, मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में कर्तव्य में अदमत मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? ये देख, फैसलाबाद ने तो अपना फैसला सुना दिया आज। तुम्हें ये एक बच्चे ने, एक लड़के ने ये ब्लैक कार्ड पर, उसने कहा, मैं पूरा नहीं पढ़ती, मैं किसी को गद्दार नहीं कहना चाहती, लेकिन उन्होंने कहा मेरे कायद को 3 बार निकाला गया, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया आधी अधूरी हुकूमतों के बावजूद। उसने लिखा है कि नवाज शरीफ के बयान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया हो।
किसे कहो नहीं हारता, इंशाल्लाह नहीं हारेगा। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहां मौजूद है आज। तो फैसलाबाद वालों, बातें मैंने बहुत कर ली थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं आखिर में फिर फैसलाबाद आपकी अजमत को सलाम करना चाहती हूं। 8 फरवरी को शेर पे इतनी मोरे लगाना, इतनी मोरे लगाना, इतनी मोरे लगाना कि दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे फैसलाबाद भी और पाकिस्तान भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। 2 नारे लगाना बल्कि 3 नारे लगाना, यहाँ आज खादिम आला भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुशहाली का आगाज हो, शेर पे मोर लगा।